In the last six videos, you have seen some of the educative stuff that I have talked to you about, hair cycle, basic introduction to this educative series. मैं ये education series बना रहा हूँ hair transplant की, so that आप ये 50 videos के through आप सारी की सारी बातें सीख सकें hair transplant के बारे में. इस video में we are going to talk of graft and follicle. Do you know what is graft, what is follicle? Are you confused? आपको बोला गया है कि आपको 5000, 10000 बाल लगाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप graft लगा रहे हैं और you are doing follicles. Watch this video right till the end. आप picture में भी देखेंगे कि किस तरह graft और follicle को differentiate किया जाता है. So, इसको समझिए. Graft अलग चीज है, follicle अलग चीज है. ग्राफ्ट क्या होता है? आप अपने हाथ को देखेंगे तो हाथ के अंदर आप देखेंगे कि कुछ बाल बंच में बाहर आ रहे हैं, दो बाल आ रहे हैं या एक बाल, उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है. बहुत ध्यान से, अगर इफ यू टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कीप इट ऑन हैंड, यू विल सी दैट देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग जिसके अंदर से बाल बाहर आ रहा है. सो मोस्टली बाल, व्हेन यू आर लुकिंग एट अ हैंड, इसमें एक बाल होता है या दो बाल होते हैं. अगर आप अपने स्कैल्प को इस तरह देखेंगे तो किसी में एक बाल है, दो है, तीन है, चार है, रेयरली इवन पांच बाल है. ये जो ऊपर से बाल दिख रहे, the hair on top is the follicle. जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ऊपर स्किन के ऊपर बाल निकला हुआ है, that is the follicle. And उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं. So basically, ग्राफ्ट है क्या? A graft is a collection of follicles which are naturally arranged, जो कि कुदरतन एक साथ जुड़े हुए हैं. किसी में एक होता है, दो या पांच, ये नेचर ने नेचुरली बनाया है. कोई भी डॉक्टर आपको ये बोले कि मैं आपको चार फॉलिकल वाले ग्राफ लगाऊंगा, मेरी यहाँ डेंसिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेचर ने ऐसा क्रिएट किया है. हो सकता है आपकी डेंसिटी अगर कम हो तो आपके एक या दो फॉलिकल के ग्राफ्ट हो, अगर आपकी डेंसिटी ज्यादा है तो आपके तीन, चार या पांच वाले ग्राफ्ट हो. वो नेचर ने प्रोवाइड किया, वो मैं डिसाइड नहीं करता. जैसे कि आपकी हेयर क्वालिटी, द थिननेस ऑफ योर हेयर इज नॉट डिसाइडेड बाय मी, इट इज डिसाइडेड बाय नेचर. सो आई एम श्योर आपको ग्राफ्ट और फॉलिकल बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया है. अंदाजा हम लोगों ने करीब 200 पेशेंट्स की स्टडी करी है, काउंटिंग करी है इंडिविजुअली, एंड जो हमारा डेटा है वो ये कहता है कि FUE में लगभग 2.1 फॉलिकल्स पर ग्राफ्ट होते हैं और FUT में लगभग 2.15 फॉलिकल्स पर ग्राफ्ट होते हैं. लगभग क्या द सेम, सो रिजल्ट वाइज FUE FUT सेम होते हैं, बट एक ग्राफ्ट में. सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सपोज मैं 2500 ग्राफ्ट लगा रहा हूं तो अप्रॉक्सिमेटली 5500 या 5400 बाल होते हैं. सो 2500 ग्राफ्ट विल हैव अबाउट 5400 to 5500 हेयर फॉलिकल्स. सो बी वेरी वेरी क्लियर जब आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, ग्राफ्ट या फॉलिकल. यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. मेरे नेक्स्ट कमिंग 45 वीडियोस आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत मेजर एजुकेशन मिलेगी जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांटेड डिसीजन, जो आपका लाइफ बदल सकता है, दैट कैन बी अ मेजर अंडरस्टैंडिंग इन दैट.